काजियां कोलों कागजी जुर्माना करवाया। पंजवें पातशाह महाराज जी ने आख्या के संगता दी आई हुई पाई पाई जो गुरु नानक पातशाह दे दर उत्ते है वह सरकारी खजाने में जुर्माने हरजाने के तौर पर नहीं पाई जाएगी। सो इस तरह जहांगीर चलाकी नाल आप उतों तुरन लगा। दीवान चंदू नूं इशारा कर गया कि तुसी सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी दे नाले केस दा निपटारा करो। ते दीवान चंदू भी चाहुंदा सी कि सतगुरु मेरे हाथ आउण ते मैं अपनी रिश्ते लड़की दा रिश्ता जो सतगुरां ने ना कीती है वह मना के अपनी हैंकड़ अपनी जिद पूरी करा। सुनिए प्यार नाल जहांगीर बादशाह टेढ़े तरीके नाल जिवें राज वाले करिया करदे हन एक तीर नाल दो निशाने वह आ बचण दा मारा लाहौर तों कश्मीर नूं तुरिया ते चंदू नूं सतगुरां दे हवाले करके गया। उस वेले जाण लगा की इशारा करदा जी इहों बेनती कीती जा रही है। ए जहांगीरों बादशाह जी लगा टुरन जवल कश्मीर गुर की नगरानी दी करदा चंदू नूं तकरीर। पुर तों टुरन लगा मुड़ मुड़े हो पकी पकावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ओ पबलक विच अमन रहे खिड़ियां रहण सदा गुलजार मुगलां दे हिस्से ने सारे सुख ते ऐश बहारा। नगरानी ठीक करी बादशाह हकम नूं फरमावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ओ मैं तां सुनिया सिखां ने लै ले शस्त्र बस तेरे कोड़े ओ सिर ते चढ़ जाणगे जे ना अज पछा नूं मोड़े। ड्यूटी चंदू शादी लावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ओ चोरी दा पता करो मगरों डन मुनासिब देना सब हीले वरत लिए भजना रण चो मर्द नू मेना। मसूर मेदा है कम सूर मेदा करना वार ते आप बचावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ओ चो गिरदे तख्तां दे तगड़े हो करियो तगड़ाइयां जो सानू रोकणगे ऐसे पुत नहीं जम्मे माइयां। वरतो जिस दी समझ कोई ना पावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ओ मन मर्जी कर ली तू सारा कम हवाले तेरे मैं रद्द कर दियांगा गल्ला कोल जे पुजियां मेरे। अम्मी चंडे नूं वेखी हाथ कोई ना पावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ओ आखर कै चंदू नूं आखर कै चंदू नूं तू कर अपने गुरां नूं लै जा वेखी हुण हारी ना जाना जित जे डट के बह जा। असली अंदर दी शाह दा दिल कहणो शर्मावे बई शाह दा दिल कहणो शर्मावे मैं छेती आवांगा वेखी देश बिगड़ ना जावे। ए इशारा जहांगीर बादशाह दीवान चंदू नूं कर गया। जहांगीर चलिया गया दीवान चंदू ने पालकी विच बहाल के सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी नूं अपनी हवेली विच लै पहुँचा। हवेली वे लिजा के पहुँचण ते पंजां सिखां नूं दरवाजे बाहरले तों ही जदों अंदर दाखल होए ते वक्खरे पासे भेज दिता। सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी नूं वक्खरे कमरे वे लिजा के पलंग उत्ते बहालिया क्योंकि राज वाले लोग नीतिवान लोग कहिंदे कुछ हुंदे हन ते करदे कुछ हुंदे हन बाहरों कुछ हुंदे हन ते अंदरों कुछ हुंदे हन। इस कारण मुताबक दीवान चंदू ने सतगुरु पंजवें पातशाह महाराज जी के चरणी पै के पहलो बेनती आरंभ की। सतगुर देखो तुहानू बादशाह ने बड़ा भारी हरजाना पाया है
बादशाह दा हरजाना देना औखा है, ने लय तो बिना छड़ना कोई नहीं। इस वास्ते चंगी भले दी गल ए होवेगी, मेरी लड़की दा रिश्ता जो तुसा ना कीती है वो प्रवान कर लो, ते सारे पैसे मैं तार देंगा। इस तरह इन्हें गल आरंभ की। सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे जो गल पहलों संगतां विच हो चुकी है उस गल तो रती मात्र भी आसे पासे नहीं गल हो सकती। रिश्ते नूं ना है तो ना ही है। ये फिर गुस्से विच आण के दीवान चंदू ने आख्या मैं बहुत कुछ कर सकता हाँ, तुसी मेरे हुण कब्जे विच हो। सतगुरु जी कहन लगे जो करना है वह तू कर सकता है, पर जो बचन गुरु नानक पातशाह के दर तो निकलिया है वह अटल सच है, सच रहेगा, वह सच सी। इस वास्ते दीवान चंदू ने गुस्से में आके सख्ती शुरू की। तत्ती रेता उत्ते सतगुरां नूं जेठ दे महीने तोरिया, देग विच उबालना, उबालण तो बाद तत्ती लोहे उत्ते बहाल देना। यह चंदू की हवेली में सारा कुछ हो रहा है। कुछ लोग अज उस चंदू का भाईचारा उस अणस वणस विचों कई वेर उन्होंने वरी कराने वास्ते ये गल कहते हैं कि चंदू का कोई कसूर नहीं। आप वार वार सुनिया है भाई चंदू की हवेली और चंदू आप कोल खड़ो के सब कुछ करा रहा है। तत्ती लोहे उत्ते पांचवें पातशाह महाराज जी ने बहाल दिता। इस दी नौ नू पता लगा जो सिख घराने विचों सी दीवान चंदू की नौ, वो अद्धी रात नू पांचवें पातशाह महाराज जी के दर्शन करने वास्ते आई। पहरेदार ने रोक दिती क्योंकि पहरा सी। लाहौर दियां संगतां भी सतगुरां दे आउण दा पता करके लभदियां सन भी सतगुरु आए हन, पता नहीं लगा कित्थे हन। पता लगा चंदू दी हवेली विच है, पहरेदारां ने ना जान दिता। आखिरकार अद्धी रात चंदू दी नौ अपने गल दे गहने वड्डी दे रूप दे के सतगुरां दे दर्शन करके आई। जारो जार रोंदी आई। सवेर होई मियां मीर फकीर जिस दी उस राज वेले बड़ी ताकत सी ते बड़ी उसकी पूजा सी, उसनों पता लगा पंजवें पातशाह महाराज जी ने तत्ती लोह ते बहालिया है। जिसनों बुला के सतगुरां ने हरिमंदर साहब की नीर खाई सी वह साईं अल्लाह का प्यारा वह आया, जिन्हों रोकण की ताकत नहीं सी वह अंदर पहुँचा सतगुरां के दर्शन करके। जिस मेरे सच्चे पातशाह के सीस उत्ते तत्ती रेता पवा पवा के सिर दे केस दाड़े दे केस और तन दे केस रोम रोम करके पुन के चढ़े हुए सन, साई मियाँ मीर ने सतगुरां दे ऐसे दर्शन करके हाथ जोड़ के एक आग्या मंगी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी नूं अपने दिलों की कह रहा है साई मियाँ मीर, सुनिए प्यार नाल एवं बेनती की जा रही है। गल विच पल्ला पा के बोलदा साई नैण सुटदा नीरा, कादा जाप कर रहे सतगुरो हुण तां जुलम दी होई अखीरा, मेरा दिल नहीं जुलम सहारदा, मेरा दिल नहीं जुलम सहारदा, बैठ लो ते पंजवें पीर ओ दुनिया करे तरास पई दिल नू बिन दे जुलमी तीर, तुहाडा हुक्म जे होवे गुरु जी। गल विच पल्ला पा के बोलदा 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 साई नैणों सुटदा नीरा, अखीरा मेरा दिल नहीं जुलम सहारदा, मेरा दिल नहीं जुलम सहारदा, बैठ लो ते पंजवें पीर ओ दुनिया करे तरास पई दिल नू बिन दे जुलमी दर दर मंगदे फिरना अमीरा, मैनू आग्या बख्शो सतगुरो सोता चंदू जहे अमीरा।
ਅਮੀਰਾ।